गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण। वी वर स्टडिंग द पोयम आई वॉन्ट टू बी अ बटरफ्लाई। बच्चों, हम पोयम पढ़ रहे थे आई वॉन्ट टू बी अ बटरफ्लाई। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक, पेज नंबर 78, पोयम आई वॉन्ट टू बी अ बटरफ्लाई। We had done the second paragraph, half। बच्चों, हमने first paragraph कर लिया था और second paragraph का आधा किया था। Last class बेटा मैंने आपको spellings दी थी, दो spellings। I had given you work before, पहली spelling before और दूसरी spelling caterpillar, दूसरी spelling कैटरपिलर। आपने वर्क कंप्लीट कर लिया होगा, एच डब्ल्यू आपका बिफोर एंड कैटरपिलर, दो हार्ड वर्ड्स मैंने दिए थे, आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। सो आई एम रीडिंग द पोयम वंस अगेन, लिसन टू मी केयरफुली, मुझे ध्यान से सुनिए सब। आई वॉन्ट टू बी अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली। मैंने कहा था आप सबको, हिंदी में हम कहते हैं तितली, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली। आई वॉन्ट टू बी अ बटरफ्लाई, टू फ्लाई एंड फ्लाई एंड फ्लाई। आई वॉन्ट टू बी अ बटरफ्लाई एंड आई वॉन्ट टू फ्लाई। मुझे एक तितली बनना है और तितली बनकर मुझे उड़ना है। I want to be a butterfly and say to the flowers, oh hi। मुझे butterfly बनकर क्या करना है, फूलों को hi कहना है। ये मैंने आपको पहले समझाया था और आप सबने read भी किया था। Now come to the second paragraph। A butterfly I want to be, but the problem is, you see, before I can be a butterfly, a caterpillar I have to be। तो बेटा, ये जो सारे बच्चे हैं यहाँ पर, वो क्या कहते हैं? Yes, वो कहते हैं कि हमें butterfly तो बनना है, हमें butterfly तो बनना है, लेकिन problem क्या है? Problem क्या है कि बटरफ्लाई बनने से पहले हमें क्या बनना पड़ेगा? कैटरपिलर, कैटरपिलर। बटरफ्लाई पहले कैटरपिलर होती है, सी ए टी ई आर पी आई डबल एल ए आर, ये है बेटा कैटरपिलर। आपने देखा होगा पिक्चर्स में या टीवी में, आपने देखा होगा, ये है कैटरपिलर। बटरफ्लाई बनने से पहले कैटरपिलर बनते हैं, उसके बाद बटरफ्लाई बनती है। सो ये जो सारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि हमें बटरफ्लाई तो बनना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? बिफोर दे कैन बी अ बटरफ्लाई, दे हैव टू बी अ कैटरपिलर। ये सारे बच्चे कहते हैं कि मुझे बटरफ्लाई तो बनना है, लेकिन बटरफ्लाई बनने से पहले मुझे कैटरपिलर बनना पड़ेगा। ये है कैटरपिलर। सी ऑल ऑफ यू पेज नंबर 78 इन योर टेक्स्ट बुक। नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ। आपको रीडिंग भी करनी है बेटा सबको, ये लास्ट पैराग्राफ। एंड देन माय फ्रेंड्स विल येल, एंड देन माय फ्रेंड्स विल येल एंड रन पेल मेल, एंड रन पेल मेल, एंड सो आई थिंक यू सी दैट आई विल बी जस्ट मी। आई एम रीडिंग इट वंस अगेन, लिसन टू मी केयरफुली, सब ध्यान से सुनिए और मेरे पीछे पीछे धीरे धीरे रिपीट करिए। एंड देन माई फ्रेंड्स विल येल एंड रन पेल मेल, एंड सो आई थिंक यू सी
दैट आई विल बी जस्ट मी। तो बेटा ये जो सारे फ्रेंड्स है, ये एक दूसरे के फ्रेंड्स है, तो ये क्या कहता है? What is this boy saying or girl saying? ये जो boy है, ये जो लड़का है, वो कहता है कि अगर मैं ये caterpillar बन जाऊँगा, अगर मैं ये caterpillar बन जाऊँगा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर डर जाएंगे और इधर उधर भागने लगेंगे, ऐसे डर कर इधर उधर भागने लगेंगे। तो ये जो लड़का है वो क्या कहता है कि इससे अच्छा तो ये है कि मैं कैटरपिलर बन के बटरफ्लाई ना बनूं, इससे अच्छा ये है कि मैं खुद जो हूँ वो ठीक हूँ, मुझे बटरफ्लाई नहीं बनना है, मैं जो हूँ मैं वही रहूँगा, आई डोंट वॉन्ट टू बी बटरफ्लाई। ये जो लड़का है ये कहता है कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे देखकर डर जाएंगे कि मैं एक कैटरपिलर बन गया, तो मुझे देखकर वो डर जाएंगे और चिल्लाएंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, इससे अच्छा तो मुझे यही लगता है कि मैं जो हूँ वो ठीक हूँ, मुझे अब बटरफ्लाई नहीं बनना, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बटरफ्लाई नाउ। सो यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ। आज के हार्ड वर्ड्स है बेटा, फर्स्ट वन राइट इट इन योर नोटबुक, बैक साइड ऑफ योर नोटबुक, आपकी नोट में पीछे लिखिए इंग्लिश की आज की डेट और HW। फर्स्ट हार्ड वर्ड YELL, YELL, YELL। सेकेंड हार्ड वर्ड PELL, PELL, PELL। देन थोड़ी सी स्पेस छोड़कर एक लाइन देनी है आपको, देन MELL, MELL, PELL, MELL। फर्स्ट वाली हार्ड वर्ड है आपका, आज का डिफिकल्ट वर्ड है येल, दूसरा है PELL, MELL। सब इसको इंग्लिश की नोट में लिखना, पीछे HW एंड टुडेज डेट, नीचे नीचे बोल बोल कर आपको लिखना है। एंड ऑल ऑफ यू रीड द पैराग्राफ एंड डू टुडेज होमवर्क, पेज नंबर 78।